باب في وزوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عن أبي حية قال رأيت عليا توزأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مزمز سلاسا واستنشق سلاسا وغسل وجهه سلاسا وزراعيه سلاسا ومسع برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين

बाबुन बाबनफी वज़ू इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई फ़काना कि आप सल्ला वम्म का वज़ू कैसा था उसकी कैफ़ियत क्या थी इसमें पहली रिवायत हज़रत अली हज़रतली ताला अन्हु की जानिब से है उनका ये फ़ेल है उन्होंने वज़ू करके दिखाया और आखिर में ये फ़रमाया कि मैं ये चाहता हूँ अहबब तो अन उरी कई फकाना तो हुई रसुल्ला सल्हम मैं ये चाहता हूँ कि बता दूँ तुमको दिखला दो कि हज़ूर सल्ला वसम का वज़ू कैसा था तो अबू हया उन्होंने रिवायत की है कि मैंने हज़रत अली को ये देखा कि आपने जब वजू फ़रमाया तो गल कपी ही आपने दोनों हथेलियों को धोया हत्मा यहाँ तक कि उसको साफ़ कर दिया साफ श्फाफ कर दिया अच्छी तरह से धोया हती अनकाहुमा के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि हमारा जो वज़ू होता है हम हाथ धोते हैं ऐसे ही धो लेते हैं उसमें कुछ ही कुछ सफाई का ख्याल और अहतमाम नहीं करते ये ऐसे ही है मिसाल के तौर पर जैसे खाने से पहले दोनों हाथ का धोना है दोनों हाथ धोएंगे तो पूरी मुकम्मल सुन्नत का सवाब मिलेगा एक हाथ धोएंगे तो एक का तो आधी सुन्नत का सवाब मिलेगा तो आम तौर से एक हाथ धोया जाता है नहीं खाना है पहले खाने के बाद दोनों हाथ धोनी चाहिए तो उस वक्त में जो धोया जाता है एक हाथ हो या दो हाथ उसको सिर्फ तर कर दिया जाता है उसको धोया नहीं जाता है तो वहाँ अच्छी तरह से धोना चाहिए मैल कुचल ये सब निकल जाए साफ़ हो जाए तो अनकाहुमा, देखिए वज़ू से पहले अनकाहुमा आपने फरमाया है यानी वज़ू अभी शुरू कर रहे हैं पहले हाथ धो रहे हैं तो उसको साफ़ कर दिया अनका के ऊपर भी गौर करना चाहिए फिर आपने मज़मज़ा फरमाया तीन बार सुबह मजमजा सलासन वस्तन शलासन फिर फरमाया शाक़ हु सलासन चेहरे को भी आपने तीन मरतबा धोया व ज़रा आई ही और हाथ को भी उसके समेत कम कौन, कोहनी समेत तीन मरतबा धोया और मसा भी ही मरतन, और सर का भी मसा एक बार आपने फ़रमाया ससल कदम ही ललकाबई फिर टखनों तक आपने दोनों कदम को धोया फिर आप खड़े हो गए फ अख़ज फ़ज़ल तहूरी तो जो बचा हुआ पानी वज़ू का था आपने उसको लिया और उसको पिया इस हाल में कि आप खड़े हों बैठ कर के पीना जायज़ है लेकिन सुन्नत जो है वो खड़े होकर के पीना है बाज़ पानी ऐसे हैं जिनको खड़े होकर के पीना है उनमें से एक फ़जल तहूर भी है यानी वज़ू का जो बचा हुआ पानी है उसको खड़े होकर के पीना है और चुल्लू पीना है पूरा आ, पूरे पेट भर के अगर प्यास है तो पी लीजिए अगर पानी उतना बचा हुआ है तो पी लीजिए सब अगर पी सकते हैं लेकिन सुन्नत पर अमल करने के लिए चुल्लू भर पानी पी लिया तो काफ़ी है तो सुन्नत पर अमल हो गया है तो शरी बहुआ कायमन फिर उसके बाद आपने फ़रमाया अहब तो अन उकुम कई फ़कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रिवायत हज़रत अली से यही अबू हिया के हदीस की तरह है صرف فرق يهيك إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه اسمه وقد رواه زائدة ابن قتام قدامة وغير واحد عن خالد ابن القمطة عن عبد خير عن جن حديث الوزوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح اسمه أبو هيا ये खालिद इबन अलकमा अलकूफ़ी हैं ये जो अबू भया है ये हजरत अली के शागिद के शागिद हैं एक दूसरे अबू भयाँ हैं है। उनके वालिद का नाम कैसा उनका नाम मालूम नहीं है कुन्नी से बहुत मशहूर हैं ये हजरत अली के शागिद हैं तो इसमें इल्ला अन्ना अब्द अब्दैर से अबू भैया की रिवायत में जो हज़रतली के हज़रतली का फ़ेल है कि आप सस, आप रज़ी अल्लाह तु ने खड़े खड़े पानी पिया मगर अब्द ख़ैर की जो रिवायत है उसको ये बताना चाहते हैं इमाम तिरमिज़ीर रम्तु ला अब्द ख़ैर की रिवायत में उनका कौल है कि हुजूर ने चुल्लू से पानी पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में ततवीक ये है कि दोनों हो सकता है कि हज़रत अली ने जो अमल करके दिखलाया है वो अपनी तरफ से नहीं है बल्कि ने अमल करके दिखलाया आदत शरीफ़ा भी जबानी बयान की तो लिहाज़ा इन दोनों में कोई तजाद नहीं है अब ने फेल को ले लिया और आब्द खैर ने कौल को ले लिया इन दोनों हदीसों से ये बात निकली कि पानी पीने ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं जिसे कहते हैं घड़ा भर कर तो घड़ा भर के पानी पीने की ज़रूरत नहीं चुल्लू भर काफ़ी है दूसरी बात ये मालूम हुई कि खड़े होकर के पीना सुन्नत है कोई बैठ के पी लेता है तो छोटी सुन्नत पर अमल होगा जायज़ है आगे चल कर के इमाम तिनविजी रहमत ने फ्ताफ़ी ही कह कर के इमाम शाबी ने की गलती को जो है बयान किया है यानी इमाम शाह इमाम शोबा ने जो गलती की है और उनसे जो चूक हुई है उन्होंने खालिद इबन अलकमा के बजाय मालिक इबन उर्फुता कह दिया है ये खालिद इबन अलकमा शोबा के उस्ताद हैं सही जो है ये खालिद व सही हो खालिद अबन अलकमा इमाम बतलाना चाहते हैं कि गलती शोबा और अबू अबूआना दोनों से हुई है दोनों ने बजाए खालिद कमा के मालिक इबन उर्फुता का नाम ले लिया है हालांकि सही जो है खालिद इबन कमा है असूल हदीस की किताबों में समा, यानी नामों की गलती की मिसाल भी यही दी गई है कि शोबा ने बजाय खालिद के मालिक का नाम लिया है मगर ये मिसाल सही नहीं क्योंकि तहीब का मतलब ये है कि कहा कुछ गया और गलती से लिखा कुछ गया यहाँ शोभा ने कुछ सुना उना नहीं बल्कि उन्होंने खुद अपने उस्ताद को देखा बिलफर्स अगर शोभा से ग़लती हो भी गई तो क्या अब्दुल खैर से भी ग़लती हो गई लिहाजा ये फ़ैसला इमाम तिरमिज़ी रम्ही का सही नहीं और रसूल हदीस की मिसाल भी जो दी गई है वो भी सही नहीं है तो खुलासा ये हुआ कि खालिद इबन अलकमा ही सही है ये मालिक इबन उर्फता था। खालिद अबन मालिक इबन उर्फता था जो कहा गया है ये सही नहीं है अलबतः मिसाल जो दी गई है किताबों में उसूल हदीस की किताबों में उसका वो मिसाल देना सही नहीं है वह आलम आप देख रहे हैं यम ए आर बी दीनी मालूम यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं हमारी तरफ से इजाजत है हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सअप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ एड लिख हमारे व्हाट्सअप नंबर एट को मैसेज करें और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे फोन पे या बैंक अकाउंट के मदद कर सकते हैं